हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल एनजे एजुकेटरी में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सस्पेंशन सिस्टम, जो एनसीएल एग्ज़ाम 2020 एजीएमएम ऑपरेटर ट्रेनिंग का ही हिस्सा है दोस्तों, जिसमें एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के भाग में ही सस्पेंशन सिस्टम दिया हुआ है, जो सभी लोग को इसे पढ़ना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन पेपर है। तो उससे पहले दोस्तों, मैंने फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, क्लच, इमिशन स्टैंडर्ड, मोटर व्हीकल एक्ट, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो अगर दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन सिस्टम। पहला है दोस्तों, गाड़ी चलाते समय, मोड़ते समय तथा ब्रेक लगाते समय पहियों की पकड़ सड़क से बनाए रखने का कार्य करता है। ए क्लच, बी टायर, सी ब्रेक, डी सस्पेंशन सिस्टम। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका दोस्तों सस्पेंशन सिस्टम। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में दिया है, जिसमें गाड़ी की स्प्रिंग के ऊपर लगे पार्ट्स आते हैं कहलाता है स्प्रिंग वेट, अनस्प्रिंग वेट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, गाड़ी की स्प्रिंग के जो ऊपर जो पार्ट्स आते हैं, ठीक ना, अच्छे समझिएगा, ऊपर लगे पार्ट्स आते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्प्रिंग वेट। ठीक ना, अब नेक्स्ट देखेंगे। इसमें कहा गया है, जिसमें गाड़ी के स्प्रिंग नीचे लगे पार्ट्स आते हैं कहलाता है, ये ओके गलत है दोस्तों। ठीक ना, ओके का जो दिया है ये नहीं होगा यहाँ पे, ओके हट जाएगा। इसमें क्वेश्चन है, जिसमें गाड़ी के स्प्रिंग नीचे पार्ट्स आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने बोला था कि गाड़ी के स्प्रिंग ऊपर लगे पार्ट्स आते हैं, उसमें स्प्रिंग वेट था, और थर्ड में होगा, इसमें होगा दोस्तों अनस्प्रिंग वेट। ठीक ना, अच्छे से ये क्वेश्चन को समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर और नीचे, ऊपर में स्प्रिंग वेट होता है और नीचे में क्या होता है, अनस्प्रिंग वेट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें लिखा गया है कि लीप स्प्रिंग पिछले पहियों में कितनी की संख्याओं में होती है। जो लीप स्प्रिंग होती है, पट्टे वाली स्प्रिंग जो होती है दोस्तों, उसकी संख्या कितनी होती है? तीन से चार, तीन से पाँच, चार से छः, पाँच से सात, या छः से आठ। तो क्या होगा दोस्तों? तो होगा आपका सी, पाँच से सात। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर का के प्रकार हैं वेन टाइप, पिस्टन टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप, ये सभी। तो क्या होगा दोस्तों हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर के प्रकार? तो होगा आपका ये सभी, सभी मतलब उसके प्रकार है, वेन, पिस्टन और टेलीस्कोपिक। ठीक ना, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जिसमें दिया है आधुनिक कारों की अगले पहियों में कौन सा सस्पेंशन प्रयोग किया जाता है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, लीप स्प्रिंग सस्पेंशन, सी रबर स्प्रिंग सस्पेंशन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों आधुनिक कारों में? तो आधुनिक कारों में हमारा होगा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें पिन, लीप स्प्रिंग की सकल पिन निम्न में से कौन सा कार्य करता है। ठीक, तो लीप स्प्रिंग को एक्सल से जोड़ना, उसका जो सकल पिन होता है ना दोस्तों, वो बी हो, बी है, बी दिया है लीप स्प्रिंग को आपस में जोड़ना, सी है लीप स्प्रिंग को चेचिस से जोड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी, चेचिस से जोड़ना, जो लीप स्प्रिंग को चेचिस से जोड़ना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से शॉक एब्जॉर्बर का कार्य कौन सा है। ए गाड़ी का बोझ उठाना, बी स्प्रिंग के विपरीत झटकों को शोषित करना, सी गाड़ी में यात्रियों व माल की क्षमता में वृद्धि करना,
डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? आपका आंसर होगा स्प्रिंग के विपरीत झटके को शोषित करना, मतलब जो स्प्रिंग में आने वाली जो मतलब वो आने वाली एनर्जी है उसकी झटके जो सस्पेंशन करती है दोस्तों उसको शोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो आपका आंसर होगा बी विपरीत झटके को शोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा दोस्तों जिसमें दिया है शॉक एब्जॉर्बर का दूसरा नाम निम्न में से क्या है? ए डैम्पर, बी टर्नर बार, सी एलिप्ट स्प्रिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? इनमें होगा आपका डैम्पर। ठीक ना, अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्वाइल स्प्रिंग बना होता है किसका? तांबा का, ए बी रबड़, सी कांसा या डी स्टील। तो क्वाइल स्प्रिंग होता है आपका स्टील का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीप स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है? जो कॉइल स्प्रिंग भी तांबे की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, और लीप स्प्रिंग जो बनी होती है ए कास्ट आयरन, बी एलॉय स्टील, सी स्टील, डी टिन। तो ये भी आपका स्टील का, कॉइल स्प्रिंग भी स्टील का और लीप स्प्रिंग भी स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचिस फ्रेम तथा लीप स्प्रिंग को किस युक्ति द्वारा जोड़ा जाता है? ठीक ना, ए नट बोल्ट से, बी साइकिल पिन द्वारा, सी वेंडिंग द्वारा या डी हुक द्वारा। तो किससे जोड़ा जाता है दोस्तों? बी साइकिल पिन द्वारा। ठीक ना, अब हमारा नेक्स्ट देखेंगे जिसमें दिया गया है लीप स्प्रिंग सहन करता है बेंडिंग स्ट्रेस, बी कंप्रेसिव स्ट्रेस या सी टेंसाइल स्ट्रेस या डी ए सभी। तो कौन सा स्ट्रेस को सहन करता है दोस्तों? तो आपका होगा ए बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा गया है लीप स्प्रिंग में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो लीप स्प्रिंग होती है उसे जो फ्रिक्शन कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोडियम का, बी एसिटिलिन का, सी ग्रेफाइट का या डी लिथियम का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक ना, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सी ग्रेफाइट का। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में पिस्टन में कितने वाल्व होते हैं? ए वन, बी टू, सी फाइव, डी थ्री। तो कितने होंगे दोस्तों? तो दो होंगे। ठीक, अब अगला देखेंगे जिसमें दिया गया है जब गाड़ी मुड़ती है तो उसका गुरुत्व केंद्र होता है ए गाड़ी के आगे, बी गाड़ी के पीछे, सी गाड़ी के बाहर या डी गाड़ी के बीच। तो क्या होगा दोस्तों? सी गाड़ी के बाहर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, रबर बूश शकल के अच्छे कार्य के लिए चाहिए क्या? लुब्रिकेशन, बी ग्रीस, सी ऑयल या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? रबर बूश शकल के अच्छे कार्य के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा गया है लीप स्प्रिंग की पत्तियों की लंबाई होती है बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, सारी बराबर होती है, किसी तरह हो सकती है। तो आंसर आपका क्या आएगा? बी घटते क्रम में होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है शकल लीप स्प्रिंग को सहायता प्रदान करता है, शकल लीप स्क्रीन को सहायता प्रदान करता है ए फैलाने में, बी सिकुड़ने में या सी ए और बी दोनों में।
या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सकल लीप स्प्रिंग दोस्तों? तो आपका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है जिसमें कहा गया है मैकफर्सन प्रायः प्रयोग होता है। मैकफर्सन, ए फ्रंट व्हील, बी रियर व्हील, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों मैकफर्सन? मैकफर्सन केवल फ्रंट व्हील में ही प्रयोग होता है, यूज होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है, एयर सस्पेंशन प्रायः प्रयोग होता है। ए ट्रक, बी कार, सी मोटरसाइकिल, या डी ये सभी। एयर सस्पेंशन किसमें यूज होता है दोस्तों? तो एयर सस्पेंशन आपका केवल ट्रक बस में ही यूज होता है, ठीक ना, मोटरसाइकिल कार में इसका यूज नहीं होता। अब 22 देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, होचकिस प्रायः प्रयोग होता है। होचकिस, फ्रंट व्हील, बी रियर व्हील, ए सी ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर दोस्तों? होचकिस प्रायः प्रयोग होता है रियर व्हील में, ठीक ना। और नेक्स्ट देखेंगे जिसमें दिया है लीप स्प्रिंग में ग्रेफाइट प्रयोग होता है। जो मैंने शुरू बताया कि लीप स्प्रिंग में ग्रेफाइट का यूज होता है, तो ये तो ए एंटी फ्रिज के रूप में, बी स्नेहक के रूप में, सी शीतलक के रूप में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? तो बी स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा गया है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में लीप स्प्रिंग पत्तियां किस पहिए में लगा होता है। ए किसी भी एक पहियों में, केवल पिछले पहियों में, या अगले पिछले दोनों पहियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में लीप स्प्रिंग पत्तियों को अगले पिछले दोनों पहियों में, ठीक ना दोस्तों, इसका सी आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा गया है लीप स्प्रिंग के में सकल का कार्य है टार का कम करना, घर्षण कम करना, लंबाई में परिवर्तन, या लास्ट ए सभी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर लंबाई में परिवर्तन, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि क्वाइल स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है लोअर विशबोन और क्रॉस मेंबर में, अपर और लोअर विशबोन के बीच में, अपर विशबोन और क्रॉस मेंबर के बीच में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो किसमें होगा दोस्तों क्वाइल स्प्रिंग का प्रयोग? तो क्वाइल स्प्रिंग का प्रयोग होगा लोअर विशबोन और क्रॉस मेंबर के बीच में, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा गया है लीप स्प्रिंग को फ्रंट एक्सल के साथ कसा जाता है। तो किससे कसा जाता है दोस्तों? सेंटर वॉल्ट से, यू वॉल्ट से, या सकल से, या सभी से। तो किसमें होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आपका बी, यू वॉल्ट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाइल स्प्रिंग होता है यह वजन में हल्के होते हैं, ये लीप स्प्रिंग की तुलना में कम जगह घेरते हैं, इनका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? हाँ, ये हल्का होता है क्वाइल स्प्रिंग, और ये कम जगह भी घेरते हैं दोस्तों, और इसका डिजाइन एकदम कॉम्पैक्ट होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है रिजिट एक्सेल फ्रंट सस्पेंशन में लॉन्गिट्यूडनल लीप स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है? ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। तो कितनी होगी दोस्तों? तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल केवल दो ही का यूज होगा, ठीक ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों जिसमें कहा गया है रिजिट एक्सल फ्रंट सस्पेंशन में क्या होता है,
लीफ स्प्रिंग, बी ट्रांसवर स्प्रिंग, सी शॉक एब्जॉर्बर या डी ए सभी। तो रिजिट एक्सल फ्रंट सस्पेंशन में लीफ स्प्रिंग भी होते हैं, ट्रांसवर स्प्रिंग भी होते हैं और शॉक एब्जॉर्बर भी होते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा ए सभी। ठीक दोस्तों, तो हमारा इसी तरह सस्पेंशन सिस्टम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इसमें बताया दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।